Assalamualaikum, वेलकम टू माई किचन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन। चिकन ली हूँ 1.5 केजी, 1/2 केजी प्याज, 1 पीस लहसुन का, 1 टुकड़ा अदरक, 5 अदद हरी मिर्च और ये खड़ा मसाला है, दालचीनी का टुकड़ा है 2 से 2.5 इंच, तेज पत्ता 3 और 4 अदद सब्ज इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 6 अदद लौंग। एक टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक। तो मैं अब पहले चिकन को कट करूंगी, साफ करूंगी, प्याज कट करूंगी, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाऊंगी। देखिए मैंने चिकन को कट कर लिया है, उसके पीसेस बना लिए हैं और हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लिया है, प्याज को भी हमने बारीक कट किया है। एक बर्तन में हमने तेल गरम किया है, तेल हमने लिया है 4 टेबल स्पून। अब मैं इसमें प्याज फ्राई करूंगी। बिस्मिल्लाह, ये जो खड़ा मसाला है ये भी मैं इसमें डालूंगी और मैं इसको साथ में अच्छे से ब्राउन करूंगी, गोल्डन ब्राउन करूंगी। हाफ टी स्पून मैं नमक भी इसमें डालूंगी, नमक डालने से प्याज जल्दी तैयार हो जाता है, तो मैं इसको ऐसे ही गोल्डन ब्राउन करूंगी। प्याज का कलर अब चेंज होने लगा है, इसे मैं कुछ देर और फ्राई करूंगी। इस तरीके से अगर हम प्याज को पूरा फ्राई करके बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। मैं बॉयलर चिकन बना रही हूँ, लेकिन अगर इस तरीके से चिकन बनाते हैं तो उसका टेस्ट देसी चिकन जैसा होता है, इसलिए मैं ऐसे बनाती हूँ। तो आप भी इस तरीके से बनाएं, बहुत ही अच्छा बनेगा। प्याज ब्राउन हो गया है माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा ब्राउन हुआ है देखें, और ये क्रिस्पी भी है, तो जब मैं इसमें मसाला डालूंगी तो इसका ग्रेवी बहुत ही अच्छा बनेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। मैं इसमें पहले डालूंगी अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया है वो मैं पहले डालूंगी। इसमें मैं इसे ऐसे 1 मिनट पकाऊंगी, लहसुन अदरक के साथ और हरी मिर्च इसके साथ मैं इसे 1 मिनट पकाऊंगी। अब मैं इसमें ये सूखा मसाला भी डालूंगी और थोड़ा पानी, जो लहसुन और अदरक का पेस्ट था उसी बर्तन में मैं डाला है। इसको हम ऐसे ही पकाएंगे कुछ देर और इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे। मसाला तैयार हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा मसाला भून के तैयार हुआ है देखें। अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। चिकन को मैं ऐसे डालूंगी, चिकन का थोड़ा भी पानी ना जाए। चिकन को हमने अच्छे से साफ कर लिया है और चिकन को आप जब भी साफ करें तो कम से कम 3 से 4 बार जरूर साफ करें उसको, तो उसका जो स्मेल होता है और जो भी उसमें गंदगी होती है वो सब आसानी से निकल जाती है। तो चिकन को अच्छे से साफ किया करें। मैं इसमें आराम से सारी बूटी डालूंगी,
हमने सारा चिकन इसमें डाल दिया है और देखिए हमने इसको हिलाया नहीं है, हमने इसको मिक्स नहीं किया है। ऐसे ही हम इसको पूरा लो हीट रखेंगे और ढककर कम से कम 5 से 7 मिनट हम इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको हम नहीं चलाएंगे। तो चिकन का जो पानी है वो बाहर आएगा और हम उसी पानी में फिर चिकन को भूनेंगे, तो ऐसे चिकन का जो स्मेल होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और चिकन टाइट भी होता है। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और ऐसे ही कम हीट पे मैं 7 मिनट तक इसे पकने दूंगी, मैं इसे हिलाऊंगी भी नहीं। इसका जो चिकन का पानी है वो धीरे धीरे कर सब बाहर आ जाएगा, फिर मैं उसमें चिकन को भूनूंगी। सात मिनट हो चुका है, अब मैं इसे चेक करूंगी। देखें, हमने इसमें पानी नहीं डाला था और इसमें जो भी पानी अभी आया है वो चिकन का पानी है, और देखें चिकन भी पूरा टाइट हो गया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप इस तरह से चिकन बनाएं तो इसका टेस्ट आपको देसी चिकन जैसा लगेगा, बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसे जरूर ट्राई करें। अब मैं इसे 15 मिनट ऐसे ही भूनूंगी और मैं अभी चूल्हे का हीट भी मीडियम कर दूंगी। मैंने इसे पहले पूरा लो रखा था, अब मैं इसे मीडियम कर दूंगी और इसको अच्छे से भूनूंगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो बीच बीच में मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डालूंगी भूनने में, तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए मैं इसे 5 मिनट से ऐसे ही भून रही हूँ और अभी तक मैं इसमें पानी नहीं डाली हूँ। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि पानी डालना चाहिए तभी आप डालें, मुझे ऐसा अभी नहीं लगा है। ये अच्छे से ऐसे ही मसाले के साथ चिकन भून रहा है तो मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, तो इसे मैं अभी 10 मिनट और भूनूंगी। मैं इसे चेक करूंगी, मैं इसे 20 मिनट तक ऐसे ही भूनी हूँ। मैंने कहा था कि मैं 15 मिनट भूनूंगी लेकिन मैंने इसे 20 मिनट तक ऐसे ही भूना है और हर 1 मिनट पर मैंने इसे चलाया है और बाकी टाइम हमने इसे कवर करके रखा है ताकि चिकन में ये जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ऐसे कर करके हमने इसे 20 मिनट तक भूना है। देखिए इसकी ये जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी है और ये ग्रेवी बहुत ही टेस्टी होती है और एक भी पीसेस नहीं टूटे हैं, सारे पीस ऐसे ही है, एक भी पीस नहीं टूटे हैं। देखिए तो इसका जो टेस्ट होता है ना ये देसी चिकन जैसा होता है। अब मैं पानी एक बर्तन में मैं पानी गर्म कर ली हूँ और इसमें मैं गर्म पानी डालूंगी। पानी मैं ली थी 1.5 गिलास। इसमें मैं ठंडा पानी इसलिए नहीं डाली हूँ कि ठंडा पानी डालने से जो चिकन का टेस्ट होता है उतना अच्छा नहीं आता, इसलिए मैं चिकन में गर्म पानी डालती हूँ। इसका जो टेस्ट होगा ये पूरा देसी चिकन जैसा ही होगा, तो आप इसे ऐसे ही बनाएं। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और मीडियम हीट पे मैं इसे 5 मिनट पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुका है, अब मैं इसे चेक करूंगी। देखिए कितना अच्छा बना है ये, इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है और इसकी पीस भी सारे ऐसे ही, एक भी पीस नहीं टूटे हैं, बहुत ही मजे का बना है ये। बहुत से लोगों को ये होता है कि बॉयलर चिकन जो होता है वो थोड़ा स्मेल करता है और पकाने में टूट जाता है, तो अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपका चिकन स्मेल भी नहीं करेगा और टूटेगा भी, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको
डिसॉल्व करके दिखाती हूँ। आपने ये पूरी वीडियो देखे फिर आपको रेसिपी सही से समझ में आएगी और आप ऐसे ही बनाएं और आप टेस्ट करें। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, सेहत दे, रिस्क में बरकत दे, हमें भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मैं जल्द ही मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।